हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे आप तक, देखिए ये बड़ी खबर दिल्ली से। जेजेपी को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। कुरुक्षेत्र गुरुग्राम हिसार रोहतक सोनीपत से जेजेपी, दुष्यंत चौटाला हिसार से लड़ेंगे चुनाव। हिसार से दुष्यंत चौटाला एक बार फिर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। रोहतक से प्रदीप देशवाल को टिकट मिला जेजेपी का टिकट। भिवानी महेंद्रगढ़ से स्वाति यादव चुनाव लड़ेंगी। सिरसा से सरदार निर्मल सिंह चुनाव लड़ेंगे। सोनीपत गुरुग्राम कुरुक्षेत्र सीट पर अभी विचार होगा। आपको अंबाला, करनाल और फरीदाबाद से सीट दिया गया है इस गठबंधन में। आप शुक्रवार को करेगी नामों की घोषणा। फ्राइडे का वक्त यह है। गोपाल राय का यह बयान है कि आप शुक्रवार को नामों का ऐलान करेगी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। जेजेपी की पहली लिस्ट आ गई है जिसमें कुछ नामों का ऐलान जेजेपी ने कर दिया है। हिसार से दुष्यंत चौटाला अपनी दावेदारी पेश करेंगे, चुनाव लड़ेंगे दुष्यंत चौटाला हिसार से। इसके अलावा आपको बताएं, जेजेपी ने रोहतक से पत्ता खोला है। प्रदीप देशवाल को टिकट दिया गया है रोहतक से। भिवानी महेंद्रगढ़ से भी जेजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें स्वाति यादव चुनाव लड़ेंगी। सिरसा से सरदार निर्मल सिंह को जेजेपी ने मौका दिया है, टिकट दिया है। सोनीपत गुरुग्राम कुरुक्षेत्र, ये तीन जगहें ऐसी हैं जहां पर अभी विचार होगा। जेजेपी ने यहां अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, यहां से प्रत्याशियों के नाम क्लियर नहीं है। आप शुक्रवार को नामों की घोषणा करेगी, गोपाल राय का बयान भी आप तक पहुंचा रहे हैं अपडेट के साथ। ये बड़ी खबर दिल्ली से। आप प्रवक्ता सुधीर यादव जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। सुधीर यादव जी नमस्कार। जी नमस्कार। सुधीर जी, शुक्रवार तक का वक्त लगेगा नामों पर, आप कोई फैसला कर नहीं पा रही है क्या? देखिए, आज सीटों का बंटवारा अनाउंस हुआ है पार्टी की तरफ से और आम आदमी पार्टी शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस में है कैंडिडेट्स तीनों सीटों पे। कल या परसों आपके बीच हमारी पार्टी के तीनों कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो जाएगी। हेलो सुधीर जी, फोन पर हैं आप? सुधीर यादव फोन पर हैं आप? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज़। बिल्कुल सर, आपकी आवाज हम तक पहुंची नहीं। एक बार दोहराएंगे, नामों पर आप फैसला नहीं कर पा रही है क्या? ये कह रहा हूँ कि आज पार्टी के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का बंटवारा अनाउंस हुआ है। हाँ। हम तीनों सीटों पर कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस में है। हमारे पास तीन तीन चार चार आवेदन है ऐसे लोगों के जो लोगों के बीच इमेज रखते हैं और राजनीतिक तौर पर सक्रिय है। हम कल या परसों तक सभी कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल करके आपके बीच और जनता के बीच इन तीनों सीटों पर उम्मीदवारों का नाम घोषित करेंगे। तो इस गठबंधन में आपको तीन सीटें मिली हैं, इससे ज्यादा आप चाह रही थी क्या या ये तीन सीटें सफिशियंट हैं? देखिए, जब गठबंधन हुआ है तो पूरी तरह से दोनों दलों के साथ बैठ के जितने भी तथ्य हो सकते हैं, जितने भी पॉइंट हो सकते हैं राजनीतिक दलों के, उन तौर पर चर्चा होगी। और मेरा मानना है कि आज हरियाणा में ये गठबंधन सक्षम है भारतीय जनता पार्टी के मामले में और हम जैसों की जैसों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ना कि कड़ा मुकाबला बल्कि मैं कह रहा हूँ शिकस्त देने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। और ये गठबंधन कहीं ना कहीं भारत की राजनीति, हरियाणा की राजनीति में एक उगता हुआ सितारा के रूप में आप देखेंगे। जो तीन सीटें आपको मिली है, ये तीन सीट ही क्यों? देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो हमारे
बीइंग पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो रिकॉर्ड होता है हमारे पास। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पिछले 3 साल में हमारी पार्टी ने हरियाणा में संघर्ष किया है, उसमें हमने एक नंबर जारी किया था 70 पांच सौ इकसठ। जो भी आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता था वो 70 पांच सौ इकसठ फोन करके आम आदमी पार्टी को मेंबरशिप ले सकता था। अंबाला, करनाल और फरीदाबाद, ये 3 सीटें आपको यहाँ से मिली हैं, ठीक। फरीदाबाद और अंबाला की अगर हम बात करें सर, हालांकि करनाल के लिए भी चुनौतियां कम नहीं होंगी, लेकिन फरीदाबाद और अंबाला, यहाँ से आप सामने जिन चेहरों को देख रहे हैं दूसरे दलों से जो हैं, चाहे आप रतनलाल कटारिया की बात कर लें, बढ़ रहा है उनका, आप कृष्ण पाल गुर्जर की बात कर लें, एक बार फिर से वो चुनावी समर में हैं, तो बहुत इजी रहेगा क्या इन सीटों को निकाल लेना? ये जो जिन नामों की आप बात कर रहे हैं, जनता के बीच इनका खुलासा हो चुका है। जितने भी योजनाएं थी केंद्र सरकार की, चाहे वो आदर्श ग्राम योजना हो, इन इन नेताओं से भी आप, मैं कार्यकर्ता की बात नहीं करता, किसी को इज्जत से अगर पूछे हो कि आप बताइए कि आपने पिछले 5 साल में कौन कौन से गाँव वोट दिए, वो जीत चुके हैं इसी जरूरत। गाँव में जो वोट लिए थे वो वोट में ही आप चलने नहीं लगे हैं। सिचुएशन जो जिस हिसाब से भारतीय जनता परिभाषा बदल के नाप का नाम विकास रख दिया इन्होंने, वो हम जनता के बीच रखेंगे और कहीं ना कहीं जीत के आने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो मसले आप गिना रहे हैं कि गांव गोद में ही है, चलने नहीं लगे हैं, तो आप उन गांवों को चला पाएंगे क्या? मैं सीधे सीधे पूछ लेती हूँ सरल शब्दों में कि किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे चुनावी समर में? देखिए, हमारे पास बड़ा ही क्लियर ऑब्जेक्टिव है, क्लियर चीजें हैं जिन चीजों को हम लेके जाएंगे। हमने दिल्ली में स्कूलों और हॉस्पिटल में बहुत जबरदस्त काम किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत जबरदस्त काम किया है। हम उसी मॉडल को लेकर हरियाणा में आएंगे कि जिस हिसाब से हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने हरियाणा के स्कूलों और हॉस्पिटल को तैनात किया है, उसके अगेंस्ट में दिल्ली जैसा मॉडल जो शिक्षा और स्वास्थ्य को एक अलग लेवल पे लेके जाता है, दुनिया के चेहरे पे लेके जाता है, हम वो इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे हरियाणा और जितने भी सीटों पर हम ले रहे हैं। जेजेपी के साथ गठबंधन के बाद भी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बारे में सोच रही है क्या आप? कांग्रेस से बात, गठबंधन की सारी बातें खत्म हो चुकी हैं, बीच में कई बार कांग्रेस की तरफ से हाँ और फिर ना और फिर हाँ और फिर ना हुई है, जो कि अनमेच्योरिटी दिखाता है एक राजनीतिक दल का जो इतना पुराना राजनीतिक दल है। या तो उन्हें क्लियर होना चाहिए कि वो गठबंधन करना चाहते हैं, या वो क्लियर होना चाहिए वो गठबंधन नहीं करना चाहते, लेकिन कभी हाँ कभी ना की जो, तो ये क्लियरेंस का अभी भी इंतजार है क्या आपको? नहीं, देखिए गठबंधन की बातें सारी कांग्रेस के साथ खत्म हो चुकी है, हम जेजेपी के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बलराम मकड़ोली, जेजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन के जरिए जुड़ गए। बलराम जी नमस्कार। नमस्कार जी। काफी उत्साह हमें नजर आ रहे हैं, कुछ सीटों पर तो आप लोगों ने नाम भी अनाउंस कर दिए, बाकी पर क्या पेज फंस गया सर? देखिए, बाकी सीटों पे कोई पेज नहीं फंसा है, ये तो सांसद जी ने आज 4 सीटों का जो हमारे जो नॉमिनेशन जो भरेंगे सांसद लोकसभा चुनाव के लिए उनसे डिक्लेयर करी है, एक तो कहीं कुछ नहीं फंसा हुआ है, बस उसमें तो अपना वो सोच विचार कर रहे होंगे। तीन सीटों पर बाद में ऐलान करेंगे ना? हाँ जी, 3 सीटों पर बाद में ऐलान करेंगे। यहाँ पर चेहरे नहीं है या इतने चेहरे हैं कि ढूंढ नहीं पा रहे हैं? देखिए, चेहरे तो हम चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट चेहरा इस हरियाणा की जनता के आगे लेकर आए, जो युवा हो, जो शिक्षित हो, जो अपने लोकसभा क्षेत्र की आवाज उठा सके। आप उदाहरण के तौर पे आप रोहतक में देख लीजिए, जो जननायक जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया है भाई प्रदीप देसवाल, वे स्टूडेंट है और निरंतर वो छात्रों की आवाज उठाते रहे हैं। और अगर उनको कंपेयर करें आप दूसरे उम्मीदवारों से, मान लीजिए भाजपा के उम्मीदवार ही है अरविंद शर्मा जी, आज उनको रोहतक की जनता ये सवाल पूछ रहे कि आप, हमने आपको कभी देखा ही नहीं, आप सीधा पैराशूट से आ गए। तो ये इस तरह के काम ना हो, हम लोगों के बीच का लोकल उम्मीदवार सर बीजेपी के संकल्प और कांग्रेस के न्याय को जेजेपी कैसे मात देगी? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकार को हरियाणा की जनता बखूबी जानती है। जिस प्रकार भाजपा की सरकार रहते हो, 3-3 बार हरियाणा को जलाया गया, ये जनता बोली नहीं है, आपकी भाईचारा खराब इस भाजपा की सरकार ने किया है। और ये जो उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूँ 3 बाई इलेक्शन के अंदर, ये जनता ने प्रूव कर दिया है भाई दिग्विजय चौटाला जी को 30,000 से ज्यादा वोट देकर के भाजपा को कोई हरियाणा में हरा सकता है तो जननायक जनता पार्टी हरा सकती है। और एक अब हम मॉडर्न तरफ दोनों अलग है सर, वो बाई इलेक्शन था, ये सांसदी के लिए है चुनावी समर, थोड़ा अलग नहीं है क्या?
बिल्कुल, चलिए इलेक्शन इलेक्शन ही होते हैं। 12 मई के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं आप, और 23 मई को जनता जनार्दन का फैसला सामने आ ही जाएगा। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।